स्वागत है आपका हमारे चैनल कुक फूड में। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन समोसा। आइए देखते हैं इसका बनाने का तरीका। एक बर्तन में मीडियम फ्लेम पर 1 से 1.5 चम्मच खाने का तेल गरम करेंगे। तेल गरम हो जाने पर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 1 चम्मच। ग्रीन पेस्ट ऐड करेंगे, इसे हमने 6 से 7 हरी मिर्च और मुट्ठी भर कोथमीर लेकर पीस लिया था। इसे हल्का सा तेल में भून लेंगे। और फिर इसमें हम मटन का खीमा ऐड करेंगे। इसकी क्वांटिटी 300 ग्राम है। इसे हमने अच्छी तरह से वॉश करके रख लिया था। अब इसमें नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला और 1/4 छोटा चम्मच हल्दी ऐड करके इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 1/2 कप पानी ऐड करके और फ्लेम को लो करके इसे ढक्कन ढककर 8 से 10 मिनट के लिए पका लेंगे या खीमे के पूरी तरह से टेंडर हो जाने तक। अब इसमें 2 मीडियम साइज के बॉईल किए हुए पोटैटोज ऐड करेंगे। आप इसमें अपनी पसंद की और भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि कैरेट, ग्रीन पीस, फ्रेंच बीन्स वगैरह। अगर आपको आपके स्टफिंग में पानी ज्यादा लग रहा है तो आप फ्लेम को हाई करके इसे सुखा लीजिए। एक और 1/2 मीडियम साइज की बारीक कटी हुई प्याज इसमें ऐड करके इसे मिक्स कर देंगे। और अब हम स्टफिंग को बर्तन में से निकाल कर साइड में ठंडा होने के लिए रख देंगे। स्टफिंग ठंडा हो जाने पर हम इसमें ग्रेट करके चीज ऐड करेंगे 60 ग्राम्स और 1 मुट्ठी भर हरा धनिया बारीक कटा हुआ इसमें ऐड करके मिक्स कर देंगे। समोसा पट्टी और मैदे का पेस्ट इस्तेमाल करके हम समोसे बना लेंगे, जैसा कि हमने यहाँ पर दिखाया है। और इतनी स्टफिंग से हम 20 से 25 समोसे तैयार कर सकते हैं।
अब एक बर्तन में मीडियम फ्लेम पर खाने का तेल गरम कर दीजिए समोसा फ्राई करने के लिए और इसे अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लीजिए। मटन समोसा सर्विंग के लिए तैयार है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली लेटेस्ट रेसिपीज की अपडेट मिलती रहे।